हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी साइंस टेक। क्वेश्चंस देख रहे हैं स्ट्रेन गेजेस के। अभी स्ट्रेन गेज खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन के बाद भी कुछ और है आपके लिए, है ना। टॉर्क मेजरमेंट पढ़ेंगे स्ट्रेन गेज की सहायता से, है ना। रॉसेट्स पढ़ेंगे, क्या है होता है रॉसेट, सब पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं आज के आपके दिन का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और मेरे पास मेरे मोबाइल में है ना, दिखा हुआ लिखा हुआ है। फिगर आपको सब दिखाई दे रहा है। द फिगर बिलो शोज various configurations of bonding a strain gauge to a cantilever subjected to a bending force. Force की direction दी हुई है, cantilever एक हिस्सा fixed है मतलब, और strain gauge का structure भी दे दिया है। बच्चे लोग, examination में हम हबड़ हबड़ नहीं करेंगे, हम question पढ़ने में बिल्कुल हबड़ हबड़ नहीं करेंगे। इस चीज की आप दिमाग में एक memory set कर लीजिए। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो हड़बड़ 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 में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ और समझ लेते हैं, कुछ और आंसर करके आते हैं। बच्चे, इस टाइम पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 30 सेकंड्स लेंगे, एक मिनट लेंगे, बट क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ताकि अच्छे से आंसर कर पाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, मेरे से सीधी सी बात पूछी जा रही है कि इसका टॉपिक भी दे दिया है, तीन फिगर है पी क्यू आर। Which configuration gives the maximum change in resistance for the force? Maximum change in the resistance. बड़े ध्यान से देखो, क्या P वाला देगा क्या? जो total F लगाया है वो इसकी length के, जो आपकी strip दिखाई दे रही है cantilever में लगी हुई strip दिखाई दे रही है, इसके length के along जाने वाला है। तो length के along आपने strain gauge लगाया हुआ है, देखो P वाला इसमें maximum होगा। क्यू वाले में ये तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाया गया है तो इसमें तो नहीं होगा। आर वाले में इंक्लिनेशन पे लगाया है, इसमें भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें प्रोड्यूस होगी? पी में, मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज भी कौन करेगा? पी करेगा। पी के बाद पूछा होता तो आर, क्योंकि इंक्लिनेशन है और सबसे कम ट्रांसवर्स वाला है, तो इसका आंसर क्या हो गया? पी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, इन क्वेश्चन में दिखने में बड़े बड़े हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो इनको तुरंत कर दोगे। क्वेश्चन देखो, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, सीधा सा। अ स्ट्रेन गेज इज अटैच्ड ऑन अ कैंटिलीवर बीम एज शोन। देखो, कैंटिलीवर बीम है और उस बीम में आपका एक स्ट्रिप निकली हुई, नीचे स्ट्रेन गेज लगाया हुआ है ना। आगे, इफ द बेस ऑफ द कैंटिलीवर बीम, कहाँ है बेस? तुरंत देखो एग्जामिनेशन में, सर बेस दिख गया और बेस जो है वो वाइब्रेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन XT इज इक्वल टू साइन ओमेगा 1T प्लस साइन ओमेगा 2T, मतलब वाइब्रेशन है। ओके जी, वेयर, आगे दिया हुआ है उसने, वेयर 2 radian per second जो है, ओमेगा 1 इज द ग्रेटर देन द 2 radian per second एंड ओमेगा 2 इज लेसर देन द 3 radian per second, देन द आउटपुट ऑफ द स्ट्रेन गेज इज प्रोपोर्शनल टू। स्ट्रेन गेज का आउटपुट पूछा है, चार ऑप्शन दे दिए, x dx by dt, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, dx माइनस y by dt। बताइए जी, कितना मस्त क्वेश्चन है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यार क्या करना है, कैसे आउटपुट निकालना है। ना पेन उठा पाओगे, ना पेपर उठा पाओगे, बट कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो दिमाग उठाइए। उसने सीधी सी बात करी है, उसने एक बेस बना दिया है। सो ये है आपका बेस, ठीक है, जो डायग्राम में दिया हुआ है ये बेस है, और ये बेस जो है इस पर आपने एक्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और एक्चुअली बेस जो है ना वो वाइब्रेटिंग है, तो बताइए जो इस बेस का वाइब्रेशन होगा वही इसका इनपुट होगा क्या? बेस का जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन ही इस स्ट्रेन गेज का इनपुट होगा। तो स्ट्रेन गेज का जो आउटपुट होगा वो इस वाइब्रेशन के ही प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि ये बॉन्डेड टाइप का स्ट्रेन गेज आपने लिया और इसे आप यदि लगाते हैं स्ट्रेन, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो क्या ये रेजिस्टेंस चेंजेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है जी? क्या ये स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता रेजिस्टेंस? बिल्कुल होता है ना।
रेजिस्टेंस चेंज फ्रैक्शनल वैल्यू की यदि बात करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो आपको मिलता है गेज फैक्टर, गेज फैक्टर, ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है किसी भी मेटल के लिए। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को कि इसका जो आउटपुट होगा, अब ये जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये इस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? आउटपुट जो होगा वो वाइब्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। नाउ वाइब्रेशन क्या है, नेचुरली वाइब्रेशन क्या है बताइए? एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेटिंग क्वांटिटी ही तो वाइब्रेशन इसमें बताए एक्सेलरेशन, तो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेस का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यदि वो एक्स से डिफाइंड है तो बेस का एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होगा सर? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर से। तो क्या इसके प्रोपोर्शनल आउटपुट नहीं हो जाएगा? या आपके स्ट्रेन गेज का इनपुट वाइब्रेशन है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होगा। गॉट इट? सो आपको क्या पूछा गया था? देन आउटपुट ऑफ स्ट्रेन गेज प्रोपोर्शनल टू दिस। क्या उठाया आपने? ना पेन उठाया, ना पेपर उठाया, क्वेश्चन बड़ा डरावना, टर्म्स भी यूज कर लिए बड़े बड़े, सोच में पड़ गए कि क्या होगा। लेकिन आपका दिमाग एक्टिव था, उसने सोचा कि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मुद्दा पता है, तो मेरा आंसर भी सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस टिपिकली हैव मच हायर गेज फैक्टर्स देन दोज ऑफ मेटालिक स्ट्रेन गेजेस प्राइमरली ड्यू टू। बिल्कुल सत्य बात है कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस जो हो गए, सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेजेस है, उनका गेज फैक्टर ज़्यादा होता है मेटल की बजाय। लेकिन क्यों? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, और ऑप्शन क्या क्या हैं? हायर टेम्परेचर सेंसिटिविटी, दूसरा हायर पॉइजन रेशियो, तीसरा हायर पीजो रेजिस्टिव कोएफिशिएंट, हायर मैग्नेटोस्ट्रक्टिव कोएफिशिएंट। देखा था ये स्ट्रेन गेज जो है ना, स्ट्रेन गेज में क्या होता है, स्ट्रेन गेज में जब आप स्ट्रेन लगाते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, एंड दैट रेजिस्टेंस चेंज बिकॉज ऑफ द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई पॉइजन रेशियो ज़्यादा होता है? नॉट एट ऑल। हायर टेम्परेचर सेंसिटिविटी, अरे भाई साहब टेम्परेचर सेंसिटिविटी हायर होती है लेकिन इसका गेज फैक्टर से क्या रिलेशन? टेम्परेचर की वजह से थोड़े ना रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है। और लास्ट इसमें है हायर मैग्नेटोस्ट्रक्टिव कोएफिशिएंट। सो मैग्नेटोस्ट्रक्शन क्या होता है? जब आप किसी भी स्ट्रेन गेज पे यदि मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, लोड लगाते हैं, और वो यदि मैग्नेटिक फील्ड में उसे कन्वर्ट कर दे, इसे मैग्नेटोस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं जी सर, थी सी जो है ना वो करेक्ट आंसर। डायरेक्ट बोल देते ना सी, ए बी सी को एलोबरेट क्यों किया? जरूरी है, नॉलेज पॉइंट के लिए जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज जिसका है। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज हैज अ नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम। पी टाइप का सेमीकंडक्टर 1000 ओम उसका नॉमिनल रेजिस्टेंस है, एंड अ गेज फैक्टर ऑफ +200। वैसी बात है, पी टाइप सेमीकंडक्टर टेंसाइल स्ट्रेन, पॉजिटिव स्ट्रेन गेज, पॉजिटिव गेज फैक्टर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ टेम्परेचर बड़ा क्रूशियल होता है जी सेमीकंडक्टर केस में, तो उसने टेम्परेचर भी डिफाइन कर दिया। आगे क्या पूछ रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज इन ओम्स व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेन ऑफ 10^-4 एट द सेम टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज इन ओम्स। रेजिस्टेंस जो है ना ओम्स में बताइए अभी स्ट्रेन गेज का, ये 10^-4 उस पर स्ट्रेन लगा देते हैं। तो क्या क्या आंकड़े दिए मैं सभी को नोट कर लेता हूँ, ठीक है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसका कि नॉमिनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? 1000 ओम, ये नॉमिनल रेजिस्टेंस है ना। इसका गेज फैक्टर भी दिया हुआ है +200। कितना ज़्यादा दिया हुआ है देखो जरा ध्यान से, एट द रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पे स्ट्रेन लगाई है और वो प्लस स्ट्रेन है, मतलब ऑब्वियस सी बात है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर यूँ कहो कि टेंसाइल स्ट्रेन लगाई है, और उसकी वैल्यू है 10^-4 यूनिट लेस क्वांटिटी है। आपसे नया रेजिस्टेंस पूछा है तो रिलेशन आपको पता है कि गेज फैक्टर इज नथिंग बट डेल आर बाई आर डिवाइड बाई स्ट्रेन,
ठीक है, डेल आर यहाँ से निकाल पाओगे और नया रेजिस्टेंस भी बता पाओगे। तो गेज फैक्टर की वैल्यू है 200, आपने यहाँ लिख दी। स्ट्रेन की वैल्यू है 10^-4, आपने यहाँ लिख दी। इसको डिवाइड किया आपने, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए आर से, और आपके पास आ जाएगा डेल आर की वैल्यू, डेल आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितना है राजा आर, आर है यहाँ पे 10^3, बराबर ना। सो 10^3 और डेल आर की वैल्यू आ गई आपके पास 20, डेल आर की वैल्यू 20 ओम आ गई। ठीक है, सो चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा होता तो 20 ओम है, बट ये लगाने के बाद, ये टेंसाइल स्ट्रेन लगाने के बाद क्या है, टेंसाइल है, पॉजिटिव है, इसलिए टेंसाइल है। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव दे दिया या नेगेटिव दे दिया, या फिर मेंशन कर दिया कि टेंसाइल है या कंप्रेसिव, तो आप समझ जाएंगे। सो नया रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बात है ये इंक्रीमेंट है, तो पुराना क्या था 1000, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1020 ओम। समझ गए बात आपको, व्हाट द पॉइंट। सो ये नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगला लें, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज से मैं बात करता हूँ आपकी, ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, नाउ क्वार्टर ब्रिज क्या होता है, हाफ ब्रिज क्या होता है, फुल ब्रिज क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक कैंटिलीवर बीम भी मैं यहाँ लिया, ये कैंटिलीवर बीम मैंने ले लिया जिसपे कि हम फोर्स लगाने वाले हैं या लोड लगाने वाले हैं हियर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द फोर्स वी अप्लाइड। यदि यहाँ पे एक आपने ले लिया आपका स्ट्रेन गेज, इसको मैं नाम दे दिया S1, और इस स्ट्रेन गेज को आपने यहाँ लगा दिया, तो ब्रिज क्या कहलाएगा, क्वार्टर ब्रिज, बराबर, क्या कहलाएगा, क्वार्टर ब्रिज। अच्छा जी, अब मान लो सभी का रेजिस्टेंस है, इसका आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, जैसे ही स्ट्रेन लगेगी इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बराबर, लाइक दिस हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट द डिफ्लेक्शन, बराबर, डिफ्लेक्शन अपने को मिलेगा, एक कंडीशन होगी। मान लो इसको मुझे हाफ ब्रिज बनाना होता, तो हाफ ब्रिज में मैंने क्या कहा था, हाफ ब्रिज बनाना यानी कि मोर सेंसिटिव बनाना, तो ये वाले को भी एक स्ट्रेन गेज से कनेक्ट करेंगे, बट इसकी वैल्यू जो है ना आर प्लस डेल आर नहीं होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन इसकी वैल्यू आर प्लस डेल आर हो जाए, यानी कि आप एक स्ट्रेन गेज यहाँ ले लें, ये वाला स्ट्रेन गेज, और इस स्ट्रेन गेज को यहाँ अटैच कर दें, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों सेम लेंथ चेन से एनकाउंटर हो रहे, दोनों का सेम रेजिस्टेंस बढ़ा, सेम रेजिस्टेंस बढ़ा, डिफ्लेक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, डिस्कशन कर चुके हैं अपन। ये भी 20, ये भी 20, तो कोई चेंज नहीं, यहाँ पे जो पहले था, जो आर और आर सेम सेम वैल्यू पे था, वही दोनों का इंक्रीमेंट एक जैसा होगा, तो कैसे चेंज होगा, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं ना। तो इसका यदि आपको हाई सेंसिटिव बनाना हो तो इसका रेजिस्टेंस आपको ड्रॉप करवाना होता है, इसका ड्रॉप करवा दो और उसका बढ़ा दो, अब डिफ्लेक्शन मिलेगा, दोनों का बढ़वा दिया तो डिफ्लेक्शन तो मिलने से रहा ना, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये घट रहा है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए स्ट्रेन गेज कंप्रेसिव स्ट्रेन मेजर कर रहा होगा, यानी कि ये जो भाई साहब है इसको मैं S2 बोल सकता हूँ, इसको S2 नहीं बोल सकता, मतलब एक पे यदि टेंसाइल स्ट्रेन है तो एक पे नेगेटिव स्ट्रेन बोले तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होना ये रहा, इसको हाफ ब्रिज बोल दी। अब इसको फुल ब्रिज बनाना होता सपोज, तो चार स्ट्रेन गेजेस आपको लगेंगे, कितने जी, चार स्ट्रेन गेज, S1 और S2 तो आपने लगा दिए, ये S1 हो गया, ये S2 लगा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं S3 की और S4 की। ठीक है, S3 इनमें से एक S3 एक S4 है, तो कहाँ लगेगा S3 और S4। अब चरा आप क्या किए, आप इसको ऐसा कर दिए और इसको ऐसा कर दिए, बताओ रिफ्लेक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, जो इधर है सेम टू सेम इधर है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप यदि ई है तो इन दोनों ब्रांच में यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, सेम टू सेम इसके अक्रॉस होगा, दोनों सेम सेम है भाई साहब, तो वोल्टेज डिफ्लेक्शन जीरो, तो ये यूजलेस सेटअप है आपके लिए। तो क्या करना पड़ेगा, आप चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन हो तो इसको माइनस करवाइए, इसको प्लस करवाइए, इसको माइनस करवाइए, इसको प्लस करवाइए। यदि आपने इसको S3 नाम दिया है, इसको S4 नाम दे दिया है, तो S3 कहाँ आना चाहिए, यहाँ, दिस इज नथिंग बट द S3। S4 कहाँ आना चाहिए, यहाँ, ये है कॉन्फिगरेशन। यदि आप चाहते हैं कि फुल ब्रिज बनाना है तो आपको S1, S3, S4, S2 को किस टाइप से सजाना है,
हर एक चीज का मैंने खोल खोल के आपको कारण दे दिया। आर प्लस डेल आर है तो इसको आपको घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ा रहे हो तो इसको घटाना पड़ेगा, दोनों को बढ़ा नहीं सकते। क्यों? दोनों को बढ़ा सक यदि दोनों को बढ़ा दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, डिफ्लेक्शन जीरो रहेगा यदि इधर का रेजिस्टेंस सेम है तो। चलिए, इसको घटा लिया, इसको बढ़ा लिया, इसको घटा लिया, सेम टू सेम इसको घटाना इसको बढ़ाना तो भी डिफ्लेक्शन जीरो, व्हाट द पॉइंट? तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये फुल ब्रिज अरेंजमेंट हो गया। फुल ब्रिज अरेंजमेंट कब होगा? जब S1, S2, S3 को इस टाइप से आप लगाने वाले हैं। समझ में आ गई ना बात? इसी पे बेस्ड दो बार क्वेश्चन आपको पूछ लिया है गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है आइए देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है? हालांकि हमने टॉप मेजरमेंट में अभी बात नहीं की है, कर लेंगे, बट ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे हमारा बनेगा। क्या दिया हुआ है? फोर स्ट्रेन गेजेस आर फिक्स्ड ऑन अ सिलिंड्रिकल शाफ्ट टू मेजर टॉर्क। टॉर्क मेजर करना है तो हमें एक शाफ्ट पे स्ट्रेन गेजेस को माउंट करना पड़ेगा। चार स्ट्रेन गेजेस यूज किए तो फुल ब्रिज वाली कहानी है, एज शोन इन द फिगर। बगल में वेरी स्टोन ब्रिज भी कर दिया है। नाउ क्वेश्चन है, अ करेक्ट वे टू प्लेस दिस गेजेस इन द ब्रिज इज, ठीक है? तो ये डायग्राम मेरे को बनाना पड़ेगा, मैं बना लेता हूँ। ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है? ये आपकी सर्कुलर शाफ्ट है और उस शाफ्ट पे आपने चार स्ट्रेन गेजेस को माउंट कर दिया है, ठीक है? अब ये जो आपके पास ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ना, ये बाहर की साइड है स्ट्रेन गेजेस से। दिस इज द शाफ्ट, एक स्ट्रेन गेज यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो इधर इस साइड सरफेस पे लगा हुआ है, इधर उधर जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो मैंने ये डॉट वाले साइन से मैंने इनको बनाया है। अब जब भी ये रोटेट होती है ना, ये जब भी इसको रोटेट करते हैं ना, रोटेट, तो इसमें क्या आता है? टॉक की वजह से रोटेशन आता है, ये बात तो तय है। इसका मैं आपको इस साइड वाला व्यू दिखा देता हूँ कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है? सो हियर इट इज, दिस इज नंबर वन, ये वाला जो नंबर वन पॉइंट यदि यहाँ है तो नंबर टू पॉइंट यहाँ है आपका, बोले तो, और तीन, ये जो है तीन है, जस्ट अपोजिट है ये तीन, और ये आपका फोर, ठीक है? ये इसका साइड व्यू है। आप इधर से यदि इसे देखेंगे तो आप चाहते हैं कि इसको इधर से देखें तो बिल्कुल देखिए, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बराबर? अब जरा ध्यान से सुनिए कि जब भी किसी शाफ्ट में टोर्शन होता है, मतलब आप यदि वो शाफ्ट रोटेशन करती है तो पक्का उसमें क्या होगा? एक टोर्शन होगा, है ना? रोटेटिंग एलोंगेशन इज नथिंग बट द टोर्शन, है ना? कैसे ये होगी? जब शाफ्ट को घुमाएंगे ना तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर लेती है, ये कुछ इस टाइप का एलोंगेशन होता है शाफ्ट में, ठीक है? लाइक दिस, इस टाइप का। जब ये शाफ्ट आपकी घुमाते हो आप इसको, तो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, यानी कि पक्का बात है यदि उसमें रोटेशन आएगा तो उस रोटेशन के कारण, जो उस पर ये जो टॉर्क के कारण जो रोटेशन है उसकी वजह से उसमें पक्का एलोंगेशन आएगी, बेंडिंग आएगी, बराबर ना? अब ये बेंडिंग किस स्टाइल से आती है? सपोज ये इस साइड में घूम रहा है तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे दो अपोजिट जगह पे इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस यदि यहाँ का जो स्ट्रेन गेज है उसमें यदि टेंशन आ रहा है, ऑन द सेम वे यहाँ भी टेंशन आएगा। मैंने माना जो होता है ओरिजिनली जो होता है, कोई भी साफ घूमती है, अपोजिट जो हैं एक दूसरे के, आपके कौन है अपोजिट स्ट्रेन गेजेस, इनमें एक जैसा इफेक्ट आता है। यदि कंप्रेशन आया तो कंप्रेशन, टेंशन आया तो टेंशन। अभी फॉर एग्जांपल मैंने रेफरेंस के तौर पे मान लिया कि यहाँ पे मैं टॉर्क लगाया अपोजिट फोर्सेस इनटू अपोजिट डायरेक्शंस, तो सर इसमें और इसमें टेंसाइल फोर्स के कारण क्या आया? टेंशन आया। ऑन द सेम वे इन दोनों में हमें कंप्रेशन देखने को मिलेगा, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं बोल रहा,
ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं बोल रहा, जब भी सांप घूमती है तो उसके दो हिस्सों में टेंशन फील होगा और दो हिस्सों में कंप्रेशन फील होगा। गुड द पॉइंट। बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं, गूगल पे भी आप देखेंगे तो इमेजेस आपको आ जाएंगी। आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेन, आपका स्ट्रेन मेजरमेंट द रोटेटिंग शाफ्ट, और ज़्यादा डिटेल में आप एक्सपेरिमेंट भी देख पाएंगे। ठीक है, अभी मैं ले लूँगा तो बहुत ज़्यादा अंदर तक आपकी कहानी चली जाएगी। सर ये मैंने मान लिया कि आपने कहा कि दो अपोजिट ब्रांचेस में टेंशन आ रहा है और दो अपोजिट स्ट्रेन है जिसमें कंप्रेशन आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें टेंशन और इसमें टेंशन आ जाए, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, चलिए सर यदि ऐसा है तो जो टेंशन होगा जिसमें उसका रेजिस्टेंस R प्लस डेल R होगा, पक्की बात है, तो इसका भी रेजिस्टेंस R प्लस डेल R हुआ होगा। कंप्रेशन वालों का रेजिस्टेंस R माइनस डेल R हुआ होगा, R माइनस डेल R हुआ होगा। अब बगल में हमारे एक उस पर्टिकुलर आपके डायग्राम में शो हो रहा है आपको पी क्यू आर एस एक ब्रिज दिया हुआ है, तो यार यदि आपको प्रॉपर फुल ब्रिज बनाना है तो ये दोनों यदि टेंशन है तो ये दोनों कंप्रेशन होने चाहिए, ये दोनों यदि टेंशन हो तो ये कंप्रेशन होने चाहिए। मतलब अपोजिट ब्रांचेस जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट ब्रांचेस जो हैं उनमें क्या आ रहा है राजा, अपोजिट ब्रांचेस में टेंशन आ रहा है, अपोजिट ब्रांच में टेंशन आ रहा है। अब आपके डायग्राम में इसको पी नाम दिया है, दिस इज नथिंग बट द पी, इसको क्यू नाम दिया है, इसको आर नाम दिया है और इसको एस नाम दिया है। ठीक है, तो चलो मान लो इसको हम P मान लिए, P जो है क्योंकि P में ये टेंशन है, दिस इज नथिंग बट द टेंशन, इधर ये भी टेंशन आना चाहिए। ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, बराबर ना। तो P को यदि 1 कर दूं, P की जगह ये 1 इस डिनोट, 1 जो है वो P को डिनोट कर रहा है, चलेगा। 3 बोले तो इसके जस्ट अपोजिट कौन है, एस, एस की जगह आना चाहिए 4, सॉरी ये डायग्राम जो दिया है इसमें ये आर बनाया है उसने और इसको बनाया है उसने एस। ठीक है, मेरे पास चूंकि आपके पास है, मेरे पास मोबाइल में देखना पड़ता है मुझे, तो ये है अपना आर, आर में भी टेंशन आ रहा है तो आर को 3 बनाना पड़ेगा, यदि P1 है तो R3 है। नाउ व्हाट अबाउट Q, Q जस्ट इसके एडजेसेंट है, यानी कि 1 के एडजेसेंट, ये यदि मैंने माना सो Q जो है वो क्या हो जाएगा, Q को हो जाए करना पड़ेगा आपको 2 और S को करना पड़ेगा 4, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, बराबर ना। अब ये ऑप्शन नंबर A में करेक्ट है, P Q R S, so this is nothing but P, आप इसे भी Q ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये R हो गया, ये S हो गया, एक साइकिल में इस टाइप से सारी कहानी हो गई, P Q R S। इसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, भाई साहब तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तेरे को एक चीज़ समझ में आती क्या, ये क्या बला है, ये R प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर और ये सारी चीजें क्लियर हैं, क्यों R प्लस आर को टेंशन बोला क्लियर है, क्यों R माइनस आर को कंप्रेशन बोला क्लियर है, क्यों टेंशन अपोजिट ब्रांचेस में लगाया क्लियर है, क्यों कंप्रेशन अपोजिट ब्रांचेस में लगाया क्लियर है। यदि ये क्लियर है और रोटेटिंग साहब के किस में ये क्लियर है कि अपोजिट पॉइंट्स पे, अपोजिट स्ट्रेन गेजेस पे सेम इफेक्ट होगा, तो फिर क्या बचा, फिर कुछ नहीं बचा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, P 3 हो सकता है, R 1 हो सकता है, Q 4 हो सकता है, S 2 हो सकता है, ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज कर देते। सर फील हो गया, सर मजा आ गया अंदर से, बराबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,